सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात लद्दाख की गालवन वैली में हुई हिंसक झड़प में समस्तीपुर के जवान अमन कुमार सिंह शहीद हो गए। अमन मोहद्दी नगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव का रहने वाले सुधीर कुमार सिंह के बेटे थे। अमन की शादी एक साल पहले हुई थी। शहादत की खबर मिलने के बाद से अमन की पत्नी सदमे में है। वह रोते रोते बेहोश हो रही है। अमन के पिता और परिवार के अन्य लोगों के भी आंसू थम नहीं रहे हैं। पिता सुधीर कुमार सिंह के अनुसार अमन बचपन से ही सेना में शामिल होकर देश के लिए कुछ करना चाहता था। सोमवार रात 9 बजे मुझे जानकारी मिली, मेरे फोन पर अधिकारी का कॉल आया। मैंने उठाया तो सामने से पूछा गया कि क्या आप अमन के पिता बोल रहे हैं। मैंने हाँ कहा। इसके बाद अधिकारी ने कहा अमन शहीद हो गए हैं। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अमन की शहादत की खबर मिलने के बाद पूरे गांव मातम में है। लोग अमन के घर पर जुटे हुए हैं।